देश के बहुप्रतीक्षित मुकदमों में शुमार अयोध्या राम जन्मभूमि केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन शहर के संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंदौर का पुलिस प्रशासन बीते कई दिनों से शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों में जुटा था। पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस का मकसद जनता और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास स्थापित करना है। इस मुद्दे पर एडिशनल एसपी अवधेश कुमार ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है और हर तरफ की स्थिति से निपटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जनता से संवाद कर रही है। फैसले को लेकर बहुत पुख्ता तैयारियां हैं प्रशासन की, पुलिस की। हमने फिक्स पिकेट सारे संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए हैं। रिजर्व बल हमारा रखा हुआ है, सारे संवेदनशील स्थानों पर रिजर्व बल भी है। पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, रक्षा समितियां लगी हुई हैं। सभी समुदाय के सभी वर्गों से लगातार संवाद हमारा है और हमारी बहुत पुख्ता तैयारी है। 144 का हम बहुत सख्ती से पालन कराएंगे और कहीं भी हम किसी भी समूह को एकत्रित नहीं होने देंगे और जनता हमारे साथ है इस मुहिम में कि शहर में अमन चैन रहे। कुल मिलाकर फैसला आने के बाद शहर के किसी भी कोने से अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। पुलिस प्रशासन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।